आज सवेरे इस्लामाबाद एरिया में जो कंटेनमेंट एरिया जाहिर किया गया है वहाँ पर लोगों को अत्यावश्यक सेवा नहीं मिल नहीं रही थी, इसलिए उन पर जरा थोड़ा रोष था। वो अत्यावश्यक सेवा मिलनी चाहिए करके उन्होंने वहाँ पर भीड़ जमा की। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं हम भारत। इस्लामाबाद, मोतीपुरा और उसके अतराफ के इलाकों को कंटोनमेंट जोन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है, इसलिए कि यहां पर कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट पाए गए। ऐसी हालत में आवाम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती है। कॉरपोरेशन ने आवाम की सहूलत के लिए कुछ नंबरात जारी किए हैं, लेकिन आवाम का कहना है, जनता का कहना है कि वो सभी नंबरात बंद है और उनकी सहूलत के लिए कुछ काम नहीं हो रहा है। इसी बात को लेकर आवाम में गुस्सा पाया गया और आवाम सड़कों पर आ गई। पूरी सच्चाई क्या है, आइए किला पुलिस स्टेशन के PI और उसी मोहल्ले की सरगर्दा शख्सियात से उनकी ज़बानी सुनते हैं। आज सवेरे इस्लामाबाद एरिया में जो कंटेनमेंट एरिया जाहिर किया गया है वहाँ पर लोगों को अत्यावश्यक सेवा नहीं मिल नहीं रही थी, इसलिए उन पर जरा थोड़ा रोष था। वो अत्यावश्यक सेवा मिलनी चाहिए करके उन्होंने वहाँ पर भीड़ जमा की और उनको वहाँ पर हमने हमारे वहाँ के बंदोबस्त के पुलिस और हमने खुद जाके और हमारे SDPO साहब चौहान साहब उन्होंने जाके उनको समझाया कि आपको सब अत्यावश्यक सेवा घर पहुँच आपको मिलेगी नगर पालिका की तरफ से। आप कौन से भी हालत में पैनिक मत हो और कोरोना संसर्ग से लड़ाई के लिए हमारी मदद करो। कौन से भी हालत में संसर्ग का ये रोग जो है बढ़ना नहीं चाहिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए ताकि ये रोग आगे ना बढ़े, इसलिए हमने उनको समझाया। वो समझने के बाद लोगों ने वो बात समझी और अपने अपने घर घर पे निकल गए। वहाँ पर ऐसी कौन से भी पुलिस और पब्लिक के बीच में ऐसी कोई टकराव की घटना हुई नहीं। केवल उनको जो अत्यावश्यक सेवा नहीं मिल रही थी उसकी वजह से लोग वहाँ जमा हुए थे, उनको समझाने के बाद वो घर निकल गए। कौन से भी अफवाह पे विश्वास मत रखो, ऐसा कुछ भी वहाँ पर घटना हुई नहीं। ये जो कंटेनमेंट एरिया हुआ या रेड जोन हुआ, ये वहाँ पर हमारे पुलिस ने बैरिकेटिंग किया है, पुलिस दल वहाँ पे तैनात किए हैं। वो केवल आपकी सुरक्षा के लिए है, वो आपका आपको कोरोना संसर्ग का रोग ना बढ़े इसके वजह से हमने ये जो पूरे एहतियात वहाँ पे बरते हैं। जो भी हम नियम पालन करेंगे शासन की तरफ से, जो भी नियम आएंगे वो नियम का आप सब पालन करो, अपने घरों में रहो, कौन सी भी हालत में घर के बाहर मत निकलो। कोई ज़रूरी चीज़ लेना है तो घर का एक ही मेम्बर बाहर जाके वो चीज़ ले सकता अत्यावश्यक की। अपने मुंह पे मास्क बांधो और टाइम टाइम पे अपने हाथ हाथ धोते रहो। हाथ का स्पर्श आँख को, मुंह को और कान को मत करो, जिसकी वजह से संसर्ग बढ़ेगा, ऐसे कोई भी चीज़ मत करो। जो भी शासन के नियम है उसका पालन करो। जी मोहतरम, अभी कुछ देर पहले किले में जो मामला हुआ और जिसका वीडियो वायरल हुआ, एक तरफ पुलिस एहलकार नज़र आ रहे हैं, दूसरी जानब कुछ लोग नज़र आ रहे हैं, उस वीडियो की क्या हकीकत है, आप बताएंगे इस सिलसिले में, क्योंकि आप यहाँ के मुकामी बाशिंदे हैं। जी, सुबह में असल में ऐसा हुआ है कि हमारा जो इलाका है, इस्लामाबाद है, मोतीपुरा है, किला है, ये एरिया में एक दो पॉजिटिव केसेस पाए गए, उसकी वजह से पूरे इलाके बंद है। अब सुबह के वक्त ऐसा है कि यार रास्ता चालू रहना चाहिए, लोगों को अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए निकलना हर हाल में है, दूध हो गया, सब्ज़ी हो गया, इसके लिए निकलना। अब उसके लिए भी निकलते हैं, लेकिन ज़्यादा ही हो रही है कि यार निकलने नहीं दिया जा रहा है, जो आ रहे हैं उनको पर भी सख्ती की जा रही है। असल में छूट के वक्त तो लोग निकलेंगे अपनी ज़रूरियात के लिए, तो वो पूरी नहीं हुई, उसके लिए कुछ ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर मॉप हुआ। उसको फिर कुछ महल के सरकदर लोगों ने हटाया उनको और मामला फ़ौरन रफा दफा कर दिया गया। लेकिन असल वजह यह है कि जो सहूलतें मिलना चाहिए वो सहूलतें नहीं मिल रही है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम। पुलिस और आवाम का इसमें कोई मसला नहीं है, मसला है सहूलत नहीं पूरी होने की वजह से लोग रोड पर आए। क्या सहूलियात? सहूलियात बोले तो पहली तो ये ऐसा बोला गया है कि कॉर्पोरेशन से सारी चीज़ें मुहैया की जा रही है। जो एरिया में पॉजिटिव आया, जो एरिया ब्लॉक किया गया है, उसमें कॉर्पोरेशन की तरफ से चीज़ें मुहैया की जा रही है, लेकिन ये सरासर गलत है। अभी तक एक घर ऐसा नहीं है जिसको सहूलत दी गई हो, ना सब्जी एक भी। जो 8 नंबर फ़ोन नंबर दिए गए हैं, कोई भी फ़ोन चालू नहीं है। आप अभी भी फ़ोन लगा के देख लीजिए, कोई भी फ़ोन चालू नहीं है। कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई भी सहूलत नहीं है। ये तो हो गया सब्ज़ी राशन वगैरह की बात, इसके अलावा ना मच्छर की दवा का छिड़काव हो रहा है, ना कचरा उठ रहा है, ना सफाई वाले आ रहे, किसी भी तरह की कोई सहूलत नहीं है। असल बात कॉर्पोरेशन की सहूलत नहीं मिलने की वजह से लोग बाहर निकले।
से एक मकामी न्यूज़ वाले ने न्यूज़ लगाई है और जिस तरह एक निगेटिव पहलू जा रहा है यहाँ की आवाम का, उस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? वो न्यूज़ जी, मैंने देखा वो न्यूज़, वो मेरे ख्याल से न्यूज़ 18 की तरफ से एक न्यूज़ बनाई गई है, एक वीडियो भी उसमें वायरल किया गया अल्लामा इकबाल पुल का। असल में वो जगह जो है अल्लामा इकबाल पुल जहाँ ख़त्म होता है, वहाँ से सामने से हमारे बिरादरान वतन का इलाका चालू होता है, वहाँ से रास्ता बंद है। अब दूध और सब्ज़ी के लिए वही एक रास्ता है जिधर से जाके ला सकते हैं, अब वो लाने जाने के लिए रास्ता बंद है। वहाँ पे लोग दूध और अपनी ज़रूरियात की चीज़ें लाने जा रहे हैं, तो वहाँ भी ज़्यादती बढ़ती गई और उस पर कुछ लोगों पर हमला हुआ, तो वो डिवाइडर जो बांस वगैरह लगा हुआ है उसको तोड़ने की कोशिश की गई, जो कि गलत हरकत है। बात करके खोला जा सकता था, लेकिन उधर से कुछ पथरा हुआ तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा हुआ, तो ऐसी वो कोई चीज़ नहीं है कि उसको जो न्यूज़ में बताया जा रहा है वो गलत बताया जा रहा है, वैसी कोई बात नहीं है। वो जो ब्रिगेडियर है ज़रूरत के पुरता, जो छूट का वक्त है जो सुबह से लेके 12 बजे तक जो वक्त है, उस वक्त में तो चालू रहना चाहिए सामान लाने ले जाने के लिए, उस वक्त तो वो चीज़ बंद थी तो उसको तोड़ने की कोशिश की गई और कोई खास बात नहीं। की तरफ से इस इलाके में मज़ीद क्या सहूलत होना चाहिए आपकी? कारपोरेशन की सहूलत अभी इधर ज़ीरो है, पहली बात तो कुछ भी सहूलत नहीं है कारपोरेशन की तरफ से। कारपोरेशन बोल रही है कि जो एरिया ब्लॉक किया गया है हम उनको राशन पहुँचा कर देंगे, पहली बात तो ये सफ़ेद झूठ है। एक घर में भी राशन पहुंचा कर नहीं दिया गया है कारपोरेशन की तरफ से, और कारपोरेशन की जो जिम्मेदारी है वो मुकम्मल नहीं कर रहे। कारपोरेशन इसमें पूरी की पूरी तरह से नाकाम हो गई है, ना सफाई का नज़्म है, सफाई वाले आ नहीं रहे। मैंने खुद सफाई वाले कुछ लोगों को फ़ोन लगाया तो बोलते नहीं, हम नहीं उस इलाके में नहीं आएँगे। अब नहीं आएँगे बोले तो सफाई कौन करेगा? ना मच्छर का छिड़काव हो रहा है, किसी भी तरह की कोई सहूलत नहीं है कारपोरेशन की तरफ से, ये कारपोरेशन की नाहेली है। और महल्ले के और शहर के सरकर्दा अफराद से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है, इस तरफ तवज्जो दे और इसको चालू कराएं, बहुत तकलीफ़ है।